सब्जेक्ट में टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू इट्स हेमिसफियर स्ट्रक ईच ऑफ इट्स एंडस। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। आपने कैप्सूल देखा होगा, आपने कैप्सूल दवाई का कैप्सूल खाया होगा जब आप बीमार पड़े होते कहीं कभी कभार, तो कैप्सूल इस शेप का होता है। इसका एक दूर से लगता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट है, बीच वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ये। तो ये जो दो हैं इसकी, ये हेमिसफियर दो होते हैं जो कैप्सूल के एंडस उसकी गोलाई जैसी होती है। तो मैंने इस शक्ल को इस तरह दिखाया है। इसका टोटल जो लेंथ है कैप्सूल 14 मिलीमीटर है, तो डायमीटर हो गया इस एंड का इस हेमिसफेरिकल जो है, ये जो पार्ट है ये हेमिसफेरिकल पार्ट है इसका 5 mm है, तो डायमीटर हो गया 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 14। तो यहाँ से अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक ढाई है, तो ये भी ढाई है यहाँ से यहाँ तक है 2.5 रेडियस। तो ये हो गया इसका भी हाइट जो होगा हेमिसफेरिकल ढाई 2.5 हो गया 5। और 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये कैप्सूल की जो हाइट आएगी, अब लेंथ है क्योंकि ये लेटा हुआ है, तो ये 9 mm आएगी कैप्सूल की लेंथ, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कैप्सूल बीच वाले पार्ट का। तो हमें निकल गया ये क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल इज इक्वल टू जो है शाबाश 5 mm। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ कैप्सूल, यहाँ हाइट मान लेंगे, लेंथ ऑफ कैप्सूल कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। ठीक है, अभी हम लिखेंगे ये डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिसफेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 5 mm रेडियस। हेमिसफेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 5.2 यानी हो गया 2.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ या हाइट, लेंथ और हम हाइट कहेंगे ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 में से 5 हो गए 9 mm। गियर फोर क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू शाबाश एक होएगा हेमिसफेरिकल पार्ट 2 times हेमिसफेरिकल पार्ट 2 times हेमिसफेरिकल पार्ट्स प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट। हमें इस एरिया जो निकालना है कि ये जो कैप्सूल होता है किसका बना हुआ होता है, उसका हमें टोटल एरिया निकालना है। इसमें एक ये आधा हेमिसफेयर, ये आधा हेमिस हो गए 2 आधे हेमिसफेयर। मैंने लिखा 2 times हेमिसफेरिकल पार्ट्स प्लस और सरफेस एरिया, यहाँ लिखेंगे कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेरिकल पार्ट, यहाँ लिखेंगे कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स। ये जो बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ पर
टू टाइम सेमी करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिसर्कल पार्ट कितना, 2πr² प्लस करोड़ सरफेस एरिया था कि किसके बराबर था, 2πrh। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू नहीं देंगे, हम डायरेक्ट हो गए, ये क्या आएगा, 4πr² प्लस, शाबाश, यहाँ पर आएगा 2πr into h। मैं फ़िलहाल वैल्यू नहीं दूंगा, मैं क्या लिखूँ करूँगा इधर, 4π कितना हो, पाई ऐसे रखूँगा, r हो गया 5/2, डाई हो गया 5/2² प्लस 2πr हो गया 5/2 × 9। ठीक है, h हाइट ऑफ 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये हो गया 4π, हो गया 25/4, 5 5 = 25, 4, ये 4 कैंसिल, प्लस ये पाई और ये पाई कैंसिल किया, 45π कितना आएगा, ये आएगा 25π प्लस 45π कितना बन गए, ये बन गया 5 5 = 10 और 70π। अब 70π का वैल्यू निकालो, ये आएगा इस तरह 70 × π का वैल्यू 22/7। ठीक है, जब 22 का 7 आएगा, 7 × 10 क्या आया इधर, शाबाश, ये 10 × 22 हो गया 220 mm² का स्क्वायर, ये आएगा आंसर। अगर आप यहाँ आप वैल्यू भी देंगे π = 2.5 और 20, यहाँ भी निकलेगा, मैंने पाई को फ़िलहाल ऐसे ही रखा, लास्ट पर पाई को वैल्यू दे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपको। ये आएगा आया सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल जो होगा 220 mm². आपके पास क्वेश्चन था कि एक कैप्सूल होता है जो आपने देखा होगा, दवाई दवाई में दवा आती है, दवा में मेडिसिन में हम खाते हैं ये आम, तो यहाँ पर कैप्सूल जो है इसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स होते हैं, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, मैंने इसको इस तरह ब्रेक किया है, सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल आधा, हेमिस्फेरिकल आधा, कोई 2 आधा, 2 टाइम्स मैंने लिखा, 2 टाइम्स करोड़ सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बीच वाला, तो ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 14 था, यहाँ से यहाँ तक ढाई है, यहाँ से यहाँ तक ढाई है, क्योंकि रेडियस ढाई बन गए, तो ढाई ढाई हो गया 5, तो मैंने लिखा 14 में से 5 हो गए 9 mm, तो ये आपका क्वेश्चन आया, इसका 220 mm².